नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात योगा के बारे में करेंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त योगा के बारे में जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, बेसिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आफ्टर ऑल योगा का उद्देश्य क्या है, इसकी सार्थकता क्या है और जीवन में इसका महत्व क्या है। तो उसके बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, फिर हम आगे उस हिसाब से इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें सीधे और सरल शब्द में यह समझ लेना चाहिए कि योगा, जैसा कि इसके नाम से ही रिसेम्बल होता है, योगा मीन्स एडिशन, दो चीज़ों का जुड़ना। तो बॉडी और माइंड के एडिशन को ही योगा बोलते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये बात हो गई थ्योरेटिकली। दूसरी बात जो मैंने फील किया और जो मैंने पढ़ के सीखा है, योगा एक माध्यम है जिसको अपना के हम अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, शरीर के अंग हैं, जो हम उनकी मदद करते हैं योगा करके, उनके जो प्राकृतिक रूप से जो कार्य करने की प्रणाली है उसको संपन्न कराने में हम उनकी मदद करते हैं योगा करके। जाहिर तौर पे अनेक प्राणियों की तरह मनुष्य भी एक प्रकृति का प्राणी है, लेकिन अपने आचार विचार, रहन सहन और गतिविधियों के कारण ये प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है कई मायनों में। तो योगा एक ऐसा माध्यम है जिसको करके हम प्रकृति के करीब आते हैं और बाकी चीज़ों को तो बाद में, पहले स्वयं को जानते हैं योगा करके। दूसरी बात, दुनिया में चाहे कितना भी महान आपका गोल हो, उद्देश्य हो, उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर ही माध्यम है जिसके जरिए हम अपने उद्देश्य को अंजाम दे सकते हैं। तो शरीर की क्या महत्व है, शायद ही किसी को ज़रूरत हो बताने की। योगा में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मीनिंग बॉडी इज द प्राइम मीन्स इन अकॉम्प्लिश ऑल ड्यूटीज ऑफ लाइफ। शरीर ही है जिसके माध्यम से हम अपने सारे उद्देश्य, कितना भी महान उद्देश्य हो, उसकी पूर्ति करते हैं। अब चार बेसिक फैक्टर्स हैं, चार महत्वपूर्ण कारक हैं जिस पर हमारा शरीर डिपेंड करता है, उसकी अवस्था डिपेंड करती है कि हमारी स्वास्थ्य है उसकी कंडीशन क्या है। दैट इज डाइट, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन, रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड साउंड स्लीप, एक्सरसाइज मींस आहार, विहार, विश्रांति, व्यायाम। ये मैं रफली बताते चल रहा हूँ क्योंकि ये सब लगभग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको पता होगा। ये आहार विहार आचरण, रिलैक्स होना, शरीर को प्रॉपर रिलैक्स मिले, व्यायाम हो, लाइफस्टाइल हो, डेली रूटीन हो, इनको रेगुलेट करना कितना इम्पोर्टेंट है ये सबको पता होगा। अब योगा का कंसेप्ट, संयोग योग इक्तयोक्तो जीवात्म परमात्मनो, स्किलफुल यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम सोल और यूनियन विथ सुप्रीम। यहाँ पे एडिशन को बताया गया है कि जो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही एक अंश है और इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ इंटीग्रेशन जो है उसी इंटीग्रेशन को योगा कहते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है। अब टाइप्स ऑफ योगा, दो तरह के योगा होते हैं, भावना और प्राण संयम। भावना में
The practice of the Bhavana Yoga is mainly depend upon emotion and or way of thinking and feeling. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Gyan Yoga are the types of Bhavana Yoga. Bhavana Yoga जैसे कि नाम से ही इसके प्रतीत हो रहा है, resemble हो रहा है, यह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ योगा है जिसमें भक्ति है, भक्ति भावना होती है, ज्ञान, मेडिटेशन, फीलिंग्स की इसमें स्पेसिफिक महत्व है, और दूसरा होता है प्राण संयम योगा जिसमें साइकोफिजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया। अब बात कुछ योगासन के बारे में करेंगे, पोस्चर्स के बारे में करेंगे। आसन्स आर सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ पोस्चर डैट स्टेबिलाइजेज बॉडी एंड माइंड। महर्षि पतंजलि हैज डिस्क्राइब्ड द कंसेप्ट ऑफ आसनाज थ्रू थ्री सूत्राज। आसन का मुख्य उद्देश्य होता है इंटीग्रेशन का साधन प्रदान करना। योग के पीक तक, चरम तक पहुंचने के लिए आसन माध्यम है, बिकॉज जब तक आप स्थिर और स्टेबल नहीं हो पाएंगे, आप इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। तभी महर्षि पतंजलि ने इसको तीन सूत्र से डिफाइन किया है। पहला, स्थिर सुखम आसनम, मीन्स स्टेडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर्स इज कॉल्ड आसनाज। तो इस बात का हम सबको ध्यान देना चाहिए कि योगा का जो पोस्चर्स होता है, जो योगासन होते हैं, वो कभी भी जबरदस्ती और फोर्सफुल इम्प्लीमेंट करने वाले पोस्चर्स नहीं होते हैं, जैसे कि प्रायः जिम में किए जाते हैं। योगासन की खूबी यही होती है कि वो शरीर धीरे 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 करके उस चीज़ को अडेप्ट करता है, और फोर्सफुली हम इम्पोज नहीं करते बॉडी पर उस चीज़ को, जो स्थिरता दे, कंफर्ट दे, उस पोस्चर को ही आसन कहते हैं। दूसरा, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति व्यास, मीन्स बाय ट्राइंग टू स्टॉप ऑल मोशन इन द बॉडी और ट्राइंग टू रिमूव द टेंशन ऑफ मसल्स एंड मेडिटेटिंग ओवर द इनफाइनाइटनेस ऑफ योर सेल्फ। इसमें है कि अपने शरीर के सारे गतियों को रोकना, अपने मन को स्थिर करना, अपने मसल्स के जो टेंशन्स हैं, जो खिंचाव है, उनको रिलैक्स करना, फिर उसके बाद साधना करके जो अनंत है उससे, अनंत से अपने आप को जोड़ना। तीसरा है, ततो द्वंद्वोन विघातः। दिस सूत्र सेज अबाउट द रिजल्ट ऑफ आसनाज। व्हेन द पोस्चर्स मास्टर्ड ऑल द ड्यूअलिटीज अपोजिट सच एज पेन एंड प्लीजर, गुड एंड बैड, हीट एंड कोल्ड, सीज टू अफेक्ट द प्रैक्टिशनर। इसमें है कि अगर उपरोक्त जो पहले दो चीज़ों की बात हो गई, जो सूत्र की बात हो गई, अगर उनको धारण कर ले इंसान, तो बाकी जो चीज़ें हैं, अपोजिट्स हैं, जैसे दुख सुख, अच्छा बुरा, सर्द गर्मी, ये सब चीज़ें अफेक्ट करना बंद कर देंगी। ये हालांकि काफ़ी आगे की बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, और ये हम खुद धीरे धीरे करके इस चीज़ की जो सच्चाई है उसको जांच सकते हैं। अब इसके बाद योगासन्स के प्रैक्टिकल्स करके, तो चूंकि मैं इस स्लाइड में बना रहा हूँ वीडियो, तो पोजीशंस में नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, इसमें मैं थ्योरेटिकली ही बता रहा हूँ अभी चीज़ों को। आगे आसनाज के लिए अलग से क्लास करेंगे, जिसमें ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिकली ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहाँ बात करने की ज़्यादा फुर्सत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आप सब लोगों से सजेशन मांग रहा हूँ कि आप किस प्रकार के कंटेंट चाहते हैं, आपको क्या
रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से डिस्कस करने से आपको ज़्यादा सहूलियत होगी या आपको समझ में आएगा और रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप कमेंट करके बताएं। क्योंकि नॉलेज होना एक अलग बात है और उसको एक्सप्रेस करना, जिस वे में चाहिए वहाँ तक पहुँचाना, एक दूसरी प्रक्रिया है। तो ये बेसिक थे योगा के। उम्मीद है कि मैं जो गोल होता है योगा का, जो इसका मीनिंग है, उसके बारे में आपको कन्वे कर पाया हूँगा। बाकी की बातें अगले स्लाइड्स में करेंगे, अगले वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू सो मच।